आज की रणनीति ये है कि बिहार की जो भी समस्या है उसको एक एक करके हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसको लेंगे। हम लोग की कोशिश रहेगी, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा कि जो कटाव की समस्या है, बाढ़ की समस्या है और लोगों के बसाने की समस्या है, वो तमाम समस्याओं को हम लोग चाहेंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा उसको पूरा किया जाए। बिजली की समस्या बहुत जटिल है, आज पूरे ज़िले में बिजली अपर्याप्त है। लोग इस पिछले दिनों गर्मी से परेशान थे, उस समय भी उनको बिजली प्राप्त नहीं हुई, आज भी बिजली पूरी तरह से उनको नहीं मिल रही है। तो बिजली के सवाल को लेकर भी हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे आने वाले समय में। बेरोज़गारी की समस्या तो पहले भी हमने कहा था कि पूरे देश में बेरोज़गारी की समस्या है, लेकिन बिहार में विशेष रूप से और कटिहार में विशेष रूप से। कटिहार जो एक समय था कि जिसको हम लोग उद्योग नगरी कहा करते थे, आज उद्योग से लिप्त हो चुका, सारा उद्योग यहाँ से लिप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है, चाहे वो जूट मिल हो चाहे वो दूसरे कल कारखाने। तो फिर से कैसे यहाँ पूंजी निवेश हो, किस तरह से लोग प्राइवेटी के द्वारा हो, निजी क्षेत्र में ही सही लोग यहाँ उद्योग लगाए, ताकि जो पलायन का सिलसिला है उसको कम से कम किया जाए।